घमंडी लोगों की ये सात आदतें लोगों को कर सकती है नाराज, इसके बारे में मैं बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं एक ट्रांसफॉर्मेशनल कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच हूँ। काफ़ी सारे लोग अपसेट होके, डिस्टर्ब होके हमारे पास में आते रहते हैं और वो बोलते कि लोग हमें नाराज़ करते हैं। बोले नाराज़ करते मतलब होता क्या है? तो बोले बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं, वो नाराज़ करते हैं। फिर जैसे बात निकली तो मैंने बताया कि भाई जो घमंडी व्यक्ति है ना, वही आपको नाराज़ कर सकता है। तो घमंडी व्यक्ति क्यों नाराज़ करता है, उसकी क्या आदतें, उसके बारे में मैं भी बात करने वाला हूँ। घमंडी व्यक्ति की ऐसी सात आदतें आपको बताने वाला हूँ कि वो लोगों को नाराज़ कर सकती है। तो आप में यदि वो आदत है तो निकाल डालो, क्योंकि आप लोगों को नाराज कर सकते हैं। नंबर एक, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, मतलब मेरे तरफ लोगों ने आकर्षित होना चाहिए, लोगों ने देखना चाहिए, लोगों ने एक बार तो भी नज़र डालना चाहिए और लोगों ने बोलना चाहिए कि वाह क्या आदमी है, क्या चाल है, क्या चलन है, क्या दिखता है। मतलब ऐसा एक वाह का लोगों को एक आना चाहिए, या लोगों ने मुझे पूछना चाहिए, लोगों ने मेरे पास में आना चाहिए, मुझे पूछना चाहिए खाना खाया क्या, पानी पिए क्या, आपको चाहिए क्या। मतलब ऐसा उनका रहता है कि लोगों ने मुझे अटेंशन देना चाहिए। ये व्यक्ति खुद होकर किसी के पास में आएगा नहीं, वो खड़ा रहेगा कि लोगों ने मेरे पास में आना चाहिए। तो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर रहता है, नंबर एक। नंबर दो, ये लोग जो है घमंडी व्यक्ति, ये लोगों को गलत ठहराते हैं बार बार। ये उसका गलत है, ये इसका गलत है, वो उसका गलत है, ऐसा गलती निकालते रहते हैं। और लोग कैसे गलत है और मैं कैसा सही हूँ ये बताते रहते हैं। उसमें क्या, लोग नाराज हो जाते हैं क्यों, गलत सही क्या है, हर एक को लगता है कि अपन सही है। तो वो लोगों की गलती निकालते हैं, लोगों को रॉन्ग करते हैं और प्रॉब्लम कर डालते हैं, लोग नाराज हो जाते हैं। नंबर तीन, कॉन्वर्सेशन, जब संवाद चालू है तो लोगों को डोमिनेट करते हो। डोमिनेट करते हैं लोगों के ऊपर हावी हो जाना, लोगों को बोलने देना नहीं, थोड़ा कुछ लोगों ने बोला तो अपनी उसकी बात काट के अपनी बात वहाँ रखना है और मैं कैसा बराबर हूँ और वो बोलना है और उसको चुप बिठाना है सामने वाले को, और ज़्यादा बातें करना है। तो बहुत ही डोमिनेशन रहता है उनका, डोमिनेट करते हैं कि मेरी आवाज़ सुनो। तो नंबर चार, इनको एप्रिसिएशन की बहुत भूख लगी रहती है, लोगों ने अप्रिशिएट करना चाहिए। अरे किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, मैंने इतना अच्छा शर्ट पहना, मैंने अंगूठी पहनी है, कुछ किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया है, मुझे देखा नहीं, मैंने चश्मा नया खरीदा था, मैंने घड़ी लाई, किसने बोला ही नहीं कुछ। तो लोगों ने अप्रिशिएट किया, लोगों ने मक्खन लगाया तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है, और उनको जो उनको मक्खन लगाते हैं और उनकी तारीफ करते हैं वहाँ वहाँ करके, वो भूखे रहते हैं। नंबर पाँच, ये लोगों की तुलना करते हैं अपने से। मतलब देखो वो कैसा है, देखो मेरा है ना, मेरे पास इतना पैसा है, ऐसा बढ़ाई करना, उसके पास में वो नहीं है, मेरे पास में बड़ी गाड़ी, उसके पास में नहीं है। तो वो तुलना करते हैं लोगों की और लोगों को नीचा बताते हैं। तो कंपैरिजन करना भी गलत है, और अपने बड़े जो लोग हैं उनसे बड़े लोग, तो वो कैसे गलत है और वो कैसे नंबर दो के काम करके करते हैं, मैं कैसा सही हूँ, मैं कैसा प्रामाणिक आदमी हूँ, वो बताते रहते। मतलब नीचे वालों को गलत ठहराना, ऊपर वालों को बोलना वो बदमाश है, या वो नंबर दो के काम करते हैं और ऐसा करते हैं, मतलब इस तरह का वो तुलना करते रहते हैं। और फिर लोग नाराज हो जाते हैं, क्योंकि क्या है कि भले वो व्यक्ति के बारे में आप बोल रहे हैं वो व्यक्ति यहाँ हाजिर नहीं है, मगर जिसके साथ में आप बातचीत करें वो जाके उसको मिर्च मसाला डाल के बोलते रहता है। नंबर छः, सहानुभूति उनको किसी के बारे में रहती नहीं है। कोई प्रॉब्लम में है, कोई तकलीफ में है, तो उनको कोई सहानुभूति रहती नहीं है, वो तो चलो छोड़ो उसको, मतलब बहुत ही प्रैक्टिकल रहते हो और किसी के बारे में सहानुभूति नहीं, किसका दुख समझने का नहीं। वो ठीक है, सही है, तो अपने साथ है, अपने साथ आ रहा है, काम कर रहा है, तो ठीक है, नहीं तो चलो हटाओ बाजू करो। कोई सहानुभूति नहीं है, कोई उसको मतलब उसके प्रति कोई एम्पथी जिसको बोलते हैं, है ना, सहानुभूति की भाई उसको जो लगता है ऐसा अपने को लगना, उसको दुख है, वो दुख में है, अपने को भी दुख लगना, ऐसा उनको रहता नहीं है। बहुत ही वो उसको बोलते हैं कॉरपोरेट एटीट्यूड, कि कॉरपोरेट में क्या रहता है कि जब तक काम कर रहा तब तक मेरे साथ में, नहीं काम कर रहा उस दिन उसको फायर कर देना, इस तरह का सहानुभूति बिल्कुल ही नहीं। और नंबर सात, ये लोगों में आत्मविश्वास की बहुत कमी रहती है। तो क्या होता है कि आत्मविश्वास की कमी रहती है अंदर से, और फिर बाहर तो बता नहीं सकते, फिर बाहर उल्टा बताते हैं कि देखो हमारे में कितना आत्मविश्वास है। तो जो ज़्यादा बताते रहते, शो ऑफ करते कि मेरे में कितना आत्मविश्वास है, समझना अंदर से ये खोखला है। मगर और आत्मविश्वास बताते रहते हैं कि मैं आत्मविश्वासी हूँ, उसमें लोग नाराज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मविश्वास बताना होगा, मगर कुछ तो भी मेरे में ज़्यादा है,
मैं कुछ तो भी कर सकता हूँ, लोगों को गलत ठहराने का है, लोगों के प्रति हावी होना है, लोगों को मतलब ऐसा डोमिनेट करना है जो भी कर रहे हैं, और देखो मेरा देखो कैसा है ऐसा, तो उसमें फिर लोग नाराज रहते, बोलते यार ये लोग होना ही नहीं। तो ऐसे जो घमंडी व्यक्ति है इनके आजू बाजू में एक्चुअली लोग रहते नहीं है, लोग इनको टालते हैं, ये आ गया तो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और यदि आपको ऐसा चाहिए कि नहीं मैं जहाँ भी जाता हूँ या जहाँ भी हूँ वहाँ लोगों ने मेरे पास में आना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, तो लोगों का सुनना चालू करो, सुनना लिसनिंग करना चालू करो, लोगों को पूछो, लोगों की बातें जानो, लोगों के मन में क्या चल रहा है करो, सहानुभूति रखो, तो ये सात बुरी आदतें आप निकाल देंगे तो डेफिनेटली आप पॉपुलर हो जाएंगे। अदरवाइज घमंडी व्यक्ति करके लोग आपको टालते जाएंगे। जो आपको अच्छा लगा था जो लोगों को शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।